नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राजनाथ ने पाक को घर में घुसकर सुनाई खरी खोटी, कहा आतंक का समर्थन करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ हो कार्रवाई। लंच किए बगैर भारत लौटे राजनाथ, पाक चैनलों ने नहीं दिखाया भाषण। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल, शीला दीक्षित को बताया खारिज सामान, कांग्रेस ने शीला दीक्षित को बनाया है सीएम उम्मीदवार। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की सीबीआई जांच को तैयार सीएम अखिलेश, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ऊंचे पदों पर बैठे लोग बंद कैमरे में बैठकर कर रहे राजनीति। बीजेपी के गढ़ गुजरात में मायावती की हुंकार, पीड़ित दलित परिवारों से मिलने के बाद सरकार को जमकर कोसा, दलितों के साथ हुई घटना को बताया अत्याचार का चरम। और अमेरिका ने पाक को दिया जोर का झटका, 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी, अफगानिस्तान में हकानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उठाया कदम। पाकिस्तान में सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी चुनौती है। राजनाथ ने काबुल, ढाका और भारत के पठानकोट में आतंकी हमले का भी मुद्दा उठाया। वे तय समय से पहले ही भारत लौट आए। आतंकियों का शहीदों की महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, राजनाथ ने कहा। आतंकवाद को बढ़ावा देने और पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ आतंक की आलोचना काफी नहीं, आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों को अलग करें। पाकिस्तान ने आज अपने निकम्मेपन का एक और सबूत दे दिया। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को ना दिखाने की साजिश के तहत गृह मंत्रियों के भाषण की कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं आने दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती गुरुवार को अहमदाबाद पहुंची। इस दौरान ऊना कांड और दलितों के मुद्दे पर मायावती ने केंद्र और गुजरात की बीजेपी नीत सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी की पूर्व सीएम ने ऊना में दलितों के साथ हुई घटना को अत्याचार का चरम बताया। मायावती ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर जिस तरह दलितों का उत्पीड़न और शोषण किया गया है, वे इसी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने आई है। माया ने कहा, मुझे पता चला कि 11 जुलाई को गोरक्षा के नाम पर कुछ दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ। उनके हाथ बांधकर लाइन से खड़ा करके पीटा गया। उनके कमर के जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। जब मैंने ये वीडियो देखा, जिस बर्बरता से उनकी कमर पर मारा जा रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरी कमर पर मार रहा है। उत्तर प्रदेश के एक और राजनेता ने विवादित बयान दिया है। यूपी के शीर्ष नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को दिल्ली से आया खारिज माल बताया है। मौर्य के इस बयान से राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नया विवाद खड़ा हो सकता है। विधायक और मायावती की पार्टी बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद पत्रकारों से चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं और शीला दीक्षित को इस पार्टी की ओर से सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं की ओर रुख नहीं किया, दिल्ली से खारिज किए गए माल को लाकर इसे यूपी में पेश किया है। इसे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ नेता नहीं है। पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता मौर्य ने कहा, जो नेता दिल्ली में पहले ही हार चुका हो, उसे यहाँ लाना दिखाता है कि कांग्रेस की यूपी में स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वे बुलंदशहर में हाईवे पर हुए गैंगरेप घटना की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो सियासी दल बंद कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, हम क्या समझे, वे साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना दुखद है, इसे ज्यादा क्या दुखद हो सकता है, शर्मनाक है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, जानकारी मिलने पर कड़े निर्देश दिए गए, बड़े अफसरों को भेजा, कहीं कोई कमी दिखाई दी उस पर भी कार्रवाई की, अफसरों की टीमें बनी है, काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक दल सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऊंचे पदों पर बैठे बीजेपी के लोग बंद कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को आखिर वे क्या रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फिल्म निर्देशक महमूद फारूकी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। महमूद फारूकी पर कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनकी सजा 3 महीने बढ़ा दी जाएगी। पीपली लाइफ फिल्म के
सह निर्देशक महमूद फारूकी पर विदेश शोध छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। अमेरिकी स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय की पीएचडी छात्रा ने फारूकी पर 28 मार्च 2015 को उनके निवास पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। छात्रा शोध के सिलसिले में भारत आई थी। अपनी एक दोस्त के जरिए वह फारूकी से मिली। इसके बाद रिसर्च में मदद के लिए फारूकी के घर आना जाना हुआ, जहां फारूकी ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की आर्मी तैयार हो गई है। गुरुवार को पार्टी ने चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एचएस फुलको और हिम्मत शेरगिल को टिकट दिया है। इनके अलावा हरजोत बेंज और राजकुमार का भी लिस्ट में नाम शामिल है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह चीमा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। फुलका को दाखा से, शेरगिल को मोहाली से, बेस को शाहनेवाल से और ब्रिगेडियर राजकुमार को बालाचोल से टिकट दिया गया है। वही आप ने पंजाब चुनाव प्रचार की कमान भगवंत मान को सौंपी है। मान को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। पेंटागन से पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की सैन्य मदद पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टन ने अभी तक कांग्रेस में ये पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कदम उठा रहा है। अमेरिका ये आर्थिक मदद पाकिस्तान को इसलिए देता है ताकि हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के संयोग के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए खर्च की अदायगी के लिए भी ये पैसा दिया जाता है। अमेरिका ये मदद गठबंधन संयोग कोष के तहत पाकिस्तान को देता है। पेंटागन के मुताबिक 2002 से लेकर अभी तक सीएसएफ के जरिए पाकिस्तान को $14 अरब दिए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि समान करों में जीएसटी एक बड़ा कदम है। इसके लागू होने से भारत में कारोबार करना आसान होगा। राज्यसभा में बुधवार को जीएसटी बिल पास होने के बाद जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी दलों के संयोग से बिल पास हुआ है। राजू ने भी इसमें काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने पर कुछ वस्तुओं और जींसों की कीमतें घट सकती है। इस बीच राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2017 है। वही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि वे इसके फायदे नुकसान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी इस चुप्पी के कारण अर्थशास्त्र की अपनी समझ और पार्टी के प्रति निष्ठाई के बीच संघर्ष नहीं होने देने की इच्छा को बताया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों के लिहाज से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने का एकमात्र तरीका उच्च निवेश और पूंजी और श्रम उत्पादकता को बढ़ाना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली है जिसके जरिए दवा खरीदने से पहले उनके दाम की जाँच की जा सकेंगी। दवा के मूल्य पर नजर रखने वाली ये संस्था जल्द ही अपनी फार्मा जन समाधान सुविधा को स्मार्टफोन तक पहुंचाने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस कोशिश से दवाइयों के मनचाहे दाम वसूलने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एंड्रॉयड यूजर के लिए बनाया गया सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार 29 अगस्त को लॉन्च करेंगे। NPPA के मुताबिक 2 महीनों के भीतर ही ये सुविधा आईफोन यूजर के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब मरीज आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में सभी दवाओं की कीमत, दवाइयों के सामान्य नाम और जिस राज्य से खरीद रहे हैं उसका नाम डालकर दाम का पता लगा सकते हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।